हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। बहुत सी बारी आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार तुम्हें पता है फॉरेन कंट्री में ऐसे लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं, दे आर वेरी मेच्योर। वो लोग ऐसे राक्षसों की तरह या फिर जानवरों की तरह बिहेव नहीं करते, वो बड़े मिलनसार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। जब आप ये सीरीज जो नई आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर हाई वाटर्स, ये देखोगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि चाहे दुनिया में कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी ह्यूमन हो, उसने बिहेव सेम तरीके से ही करना है। ठीक है, तो ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है क्योंकि ये ह्यूमन साइड दिखाता है, और कुछ भी ऐसा ह्यूमन साइड दिखाने वाली चीज़ पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, सेटिस्फैक्ट्री लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये रीअश्योरेंस देती है कि दुनिया में चाहे हम काले गोरे जिस भी तरीके से दिखते हों अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन हमारा बिहेवियर जो है वो इंसानों का ऑलमोस्ट एट पार है। तो एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था 1997 के अंदर, मोस्ट पार्ट ऑफ पोलैंड और कुछ जर्मनी और कुछ पार्ट ऑफ यूरोप इंपैक्ट हुआ था। वहाँ की स्ट्रगल दिखाई गई है कि किस तरीके से अथॉरिटीज़ पहले ये मानने के लिए इनकार कर देते हैं कि यहाँ पर फ्लड आने वाला है, और किसी तरीके से वो जब वो मानते हैं तब क्या कुछ लफड़ा होना शुरू होता है, कैसे अलग अलग सिनारियोज बनने शुरू हो जाते हैं। एक सिनारियो इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है कि लोग अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिनारियो ये बन जाता है कि पॉलिटिशियंस यहाँ पर क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और जेन्युइनली सो, और दूसरा कि जो हाइड्रोलॉजिस्ट है, यहाँ पर एक वुमन है जो कि एक्सपर्ट होती है पानी की, वो क्या क्या एडवाइस देती है, एंड बीइंग अ वुमन हाउ शी नेविगेट्स हर वे, क्योंकि बीइंग अ वुमन वहाँ पर भी उसको भी यही चैलेंजेस आ रहे होते हैं। मैंने बोला ना ह्यूमन सारे एक जैसे होते हैं, तो वो कैसे नेविगेट करती है अपना सैडनेस से, उसका भी एक बैगेज है कि किस तरीके से वो समझाती है कि भाई ये सब कुछ होने वाला है, इसको प्रेडिक्शन की तरह मत लो, ये रियलिटी होने वाला है, जबकि अथॉरिटीज़ रिफ्यूज़ कर रही हैं। बट किस तरीके से ये जैस्मिना जो कि यहाँ पर हाइड्रोलॉजिस्ट है, और जेकब जो कि एक इमर्जिंग पॉलिटिशियन कह सकते हैं, वो अपने बैगेजेस और अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ के किस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये उठेंगे कि ये जो रेस अगेंस्ट टाइम है, ये जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, कितनों को बचा पाएंगे, कौन लोग थैंक यू हो जाएगा, ये डिसीजन जो है वो टाइमली ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, एंड व्हाट डिसीजंस हैव डू दे हैव टू टेक, बिकॉज देयर इज अ सिटी टू बी सेव, देयर इज अ विलेज टू बी सेव, क्या डिसीजंस होंगे एंड हु ऑल विल बी इंपैक्टेड। ये बिल्कुल ही ह्यूमन साइड को झंझोर के रख देगी, और कभी कभी जो हार्श डिसीजंस हैं आपके तोते उड़ा देंगे कि ये डिसीजंस लेना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जिस तरीके से जेकब की ज़िंदगी जो कि एक पॉलिटिशियन है वो दिखाई गई है, वो कहीं ना कहीं राइचियस भी है और रूल ब्रेकर भी है, वो अच्छे तरीके से इस एक्टर ने निभाया है। उसके एक्सप्रेशन, उसके बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसा है। जैस्मिना जिसका ट्रबल्ड पास्ट है, वो ज़्यादा नहीं दिखाया है कि कितना ट्रबल्ड है और क्यों है, लेकिन वो ट्रबल्ड रहने के बाद, वुमन रहने के बाद, एक मेल दुनिया के अंदर किस तरीके से अपनी बात सुनाने की कोशिश करती है। देन देयर इज अ लीडर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू हेल्प द नॉर्मल सिटीजन्स जो उसके रेजिडेंट्स हैं आसपास के, कि वो एक सेफ जगह पे जा पाए। सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर ये लगेगी कि ऐसा नहीं है कि अचानक से टाइटैनिक की तरह बाढ़ आ गई है, ये धीरे धीरे वाटर राइजिंग हो रहा है, और पैरेलली आपको ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है नॉर्मल सिटीजन्स को काफ़ी हद तक तो पता ही नहीं है, तो नॉर्मल जिंदगी चल रही है, पर जो टेंशन है ये बोर्ड रूम में और ये ऑफिस के अंदर डिस्कशंस के अंदर हो रही है, जहाँ पर अपना तो डीमंस इनको फाइट करने ही करने हैं, और ये जो सिटी का जो क्राइसिस है, ये जो विलेज का जो क्राइसिस है, ये भी सॉल्व करना ही करना है। अगर मैं कुछ डाउनसाइड की यहाँ पर बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल तरीके से चलती है, और जो इमोशनल लगाव एटलीस्ट दो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, जो जैस्मिना है, जैकब है, या फिर एक जो इनका ग्रुप लीडर बन जाता है रेजिडेंट्स का, ये सारे जो लोग हैं इनसे बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है, आपको आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बैठता, क्योंकि ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं कि कैसे आप सिटी को सेव कर सकते हो, और कैसे जो इडियट अथॉरिटीज हैं जो बिल्कुल एंड तक एक हिंड्रेंस बना के बैठी रहती है, उसको कैसे सॉल्व करते हो। जिस तरीके से फ्लड की सिचुएशन दिखाई गई है, पानी का यूज किया गया है, वो काफी बढ़िया आपको लगेगा, कैसे कैसे स्लोली राइज हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी 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 कर दिया, लेकिन इतना टेंशन बना के रखा है कि आपको लगता है कि रेस अगेंस्ट टाइम है। प्रडिक्टेबल होने की वजह से और कैरेक्टर डेप्थ में ना जाने की वजह से आई विल स्कोर द सीरीज 7 out of 10। ठीक, डिसेंट वॉच है, कोई और चीज़ आज रिलीज भी नहीं हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।